अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आ चुका हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, जो कि है मेरी स्वीट डिश। तो स्वीट डिश में आज जो मैं बना रहा हूँ वह है एक विंटर स्पेशल डिश, गजरेला। तो गजरेला बनाने के लिए मैंने जितने इंग्रीडियंट्स का यूज किए हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि मेरी मजीद न्यू आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ताइए मैं आप लोगों से इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो गाइस, गजरेला बनाने के लिए मैंने 2 अदद गाजर ले लिए थे, जिसको मैंने मोटा मोटा कद्दूकस कर लिया है ताकि ये नजर आए। और आधी प्याली मैंने ले लिया था चावल, जिसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और इसके बाद 1 पाव मैंने ले लिया खोया, और ये मैंने ले लिए सूखा हुआ नारियल। पौनी प्याली मैंने ले ली है चीनी, और कुछ मैंने ले लिए यहाँ पे बादाम। 4 अदद मैंने ले ली है छोटी वाली इलायची, और कुछ मैंने ले ली है किशमिश, और तकरीबन 1.5 लीटर के जितना मैंने ले लिया है दूध। तो गाइस, ये थे मेरी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। इस रेसिपी को आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये विंटर स्पेशल डिश है। इसको आप लोग बनाएंगे तो आप लोग खीर को भूल जाएंगे। गाजर का जो आप लोगों ने बहुत खाया होगा, तो मैं आज जो आप लोग के साथ गजरेला की रेसिपी लेके आ चुका हूँ। तो आइए मिलकर बनाते हैं गजरेला। तो गाइस, रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक अदद देगची ले ली है। इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं अपना दूध जो है उसको बॉईल कर लूँगा, और अब मैं थोड़ा सा वेट करूँगा दूध के बॉईल होने का। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं दूध जो है हमारा बॉईल हो चुका है। अब इस स्टेज से मैं इसके अंदर क्या करूँगा, जो मेरे पास चावल थे उसको मैं हाथों की मदद से इस तरीके से मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगा। बिल्कुल बारीक बारीक इसको चूरा कर लूँगा। तो गाइस, चावल को तोड़ के मैंने इसलिए डाला है ताकि जो है ये जल्दी पक जाए और पकने में टाइम ना लगाए। तो गाइस, चावल ऐड करने के बाद अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और इस स्टेज पे मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास इलायची थी छोटी वाली उसको मैं बीच से इस तरीके से खोल के इसके अंदर ऐड कर दूँगा, ताकि चावलों के साथ साथ जो है हमारी इलायची भी पक जाए और इसका फ्लेवर भी अच्छे से गजरेला के अंदर आ जाए। तो गाइस, इलायची ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करता रहूँगा और थोड़ा सा मैं इसको पकाऊँगा, ताकि जो हमारा जो दूध है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। चम्मच जो है वो आपको छोड़ना नहीं है, चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारे चावल जो है वो नीचे लगे ना और अच्छे से कुक हो जाए। तो गाइस, अभी तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुकी है चम्मच चलाते हुए। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर जो मेरे पास गाजर थे वो ऐड कर दूँगा, ताकि गाजर भी जो है वो अच्छे से पक जाए। गाजर ऐड करने के बाद मेरे पास जो बादाम थी वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, आप लोग जो आपकी मर्जी हो वो आप लोग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। बादाम ऐड करने के बाद अब जो मेरे पास किशमिश थी वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। किशमिश ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर जो मेरे पास चीनी थी वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। चीनी ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर जो मेरे पास सूखा हुआ खोपरा था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। खोपरा ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगा और उसको थोड़ी देर चम्मच चलाता रहूंगा और उसको अच्छे से पकाऊंगा। तो गाइस, अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं दूध जो है वो हमारा थोड़ा सा थिक हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर जो मेरे पास खोया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। खोया मैंने घर पे बनाया है, अगर आप लोगों को खोए की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। खोया ऐड करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसको थोड़ा सा और थिक करेंगे। तो गाइस, ये हमारी गजरेला रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं आप लोगों से डिश आउट के वक्त मिलता हूँ। ये गाइस मेरी डिश का फाइनल लुक, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। यकीन माने एक बार आप लोग उसके लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप लोग खीर को इंशाल्लाह भूल जाएंगे। सर्दियों में आप लोगों ने गाजर का हलवा तो बहुत खाया होगा, इस बार आप लोग गजरेला लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मजीद अगर इसी तरह की न्यू वीडियोज़ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसी तरह की न्यू डिशेज सिखाता रहूँगा और आप लोग मज़े से इंजॉय करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी मजीद न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।